डॉक्टर ने मुझे बोला था ये न्यूट्रस निकलवानी पड़ेगी आपको भाई, आपको मतलब ज़्यादा तकलीफ है, ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि चलो देखती हूँ अभी थोड़ा टाइम दवाई खा के, अगर मुझे आराम आ गया तो मैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं निकलवा दूँगी। पर मैं जब से चर्च आई हूँ तो मेरे को महीना सवा महीना ही लगा था कि मेरी वो न्यूट्रस की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई है, मुझे निकलवानी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मेरा नाम रेनू है और मैं यहाँ पर मार्च से आना शुरू हुई थी, तो मुझे किसी ने बताया था हमारे आस पड़ोस के आते थे पर मुझे पता नहीं था यहाँ का, तो कह रहे थे कि वहाँ जाते हैं ना तो बीमार ठीक हो जाते हैं, जो भी बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, कई लोगों के ठीक हो चुके हैं। तो मैंने कहा चल मुझे भी थायराइड है, पता नहीं क्या क्या मुझे था, मुझे न्यूट्रस की प्रॉब्लम थी जो मुझे 3 साल से थी। तो मैंने वहाँ पर भी इलाज मेरा चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने 1.5 लाख रुपया लगा दिया था उस पर। मतलब मुझे महीने में, जैसे जो औरतों की प्रॉब्लम होती है, मुझे महीने में 2 बारी हो जाती थी, तो मैं उससे बहुत परेशान थी और मुझे न्यूट्रस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे पास्टर जी ने बोला कि आपके लिए प्रेयर भी करेंगे, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दो मुझे। तो आप, मैंने लिख के भी दी। मुझे पास्टर जी ने बोला कि आपको 3 महीने आना पड़ेगा, आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मैं जब से यहाँ पर आने लगी, मुझे 1 महीना 1.25 महीना ही हुआ था और मेरी वो प्रॉब्लम एकदम जड़ से ही खत्म हो गई। तो मुझे न्यूट्रस की वो प्रॉब्लम एकदम खत्म हो गई, जो मैं इतनी इतनी दवाइयाँ खाती थी, मेरे बिल्कुल बेड पे पड़ी रहती थी थैली भर भर के दवाइयाँ, पूरा दिन मैं गोलियाँ ही खाती रहती थी, पर वो सारी दवाइयाँ मेरी एकदम ही बंद हो गई हैं 1 महीने 1.25 महीने के अंदर अंदर ही। और मेरी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं कोई एक गोली भी नहीं खाती, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। और मुझे वो न्यूट्रस की जो प्रॉब्लम थी वो मुझे अब न्यूट्रस निकलवानी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के कोने का। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर का। धन्यवाद। डॉक्टर ने मुझे बोला था ये न्यूट्रस निकलवानी पड़ेगी आपको भाई, आपको मतलब ज़्यादा तकलीफ है, ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि चलो देखती हूँ अभी थोड़ा टाइम दवाई खा के, अगर मुझे आराम आ गया तो मैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं निकलवा दूँगी। पर मैं जब से चर्च आई हूँ तो मेरे को महीना सवा महीना ही लगा था कि मेरी वो न्यूट्रस की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई है, मुझे निकलवानी नहीं पड़ी। धन्यवाद।